हेलो, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग। आज मैं जो आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ वो मेरे कमेंट्स में डिमांड के रिगार्डिंग ही है कि जो बिगिनर्स हैं वो जो बट्टा बॉल फेंकते हैं, जो हम जिसको चकिंग बोलते हैं या थ्रो बॉल फेंक देते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे डिस्कशन करूँगा कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। वैसे तो अकॉर्डिंग टू जो हमारे ICC रूल हैं उसके अकॉर्डिंगली हम 155 डिग्री टू 175 डिग्री के बीच में हम एल्बो को बैंड कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा क्योंकि ये चैनल मेरा बिगिनर्स के लिए, तो मैं आपको सारी मोटी मोटी बात बताऊँगा। तो इसके अंदर हमारे तीन तरह की बॉल डाल सकते हैं, एक हम ओवर आर्म डालते हैं, एक अराउंड आर्म डालते हैं, और एक हम 1981 से पहले भी एक अंडर आर्म बॉल भी डाली जाती थी। एक्चुअली 1981 में एक वर्ल्ड कप मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच था, तो लास्ट बॉल पे 7 रन चाहिए थे, तो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने अपने भाई को चैपल ने तो अपने भाई को ओवर दे दिया और उसको बोला कि अंडर आर्म बॉल डालो, तो ये 6 नहीं मार पाएगा। इस वजह से फिर उसके बाद अंडर आर्म बॉल को बैन कर दिया गया था। ये छोटा सा इतिहास था। तो अब इसके बाद मैं आपको सिर्फ दो ड्रिल बताऊंगा जिससे कि बच्चे अपनी बॉलिंग को जो वो बट्टा बॉल फेंकते हैं वो बॉल को हाथ घुमा के यहाँ आके वो थ्रो कर देते हैं, उसको कैसे ठीक करेंगे। तो इसके पहले तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, बच्चा क्या होता है कि छोटा बच्चा, उसकी जैसे मान लो 10-12 साल का, उसकी बॉल पूरी विकेट तक पहुंचती नहीं बैट्समैन तक, तो वो क्या करता है, जोर लगाने के लिए, ज्यादा पावर देने के लिए वो अपनी एल्बो को यहाँ से बेंड कर देता है। तो इसके लिए दो ड्रिल हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अगर वो आप घर पे करोगे या बच्चे को करवाओगे तो आप इसको अपने जो बट्टा बॉल बोलते हो या जर्क बोलते हो या फिर इसको चकिंग बोलते हो, इसको आप आराम से इजीली आप ठीक कर सकते हो। तो पहले मैं आपको पहली ड्रिल बताऊंगा फिर दूसरी बताऊंगा। तो पहली ड्रिल के अंदर आपने क्या करना है, या तो आप इतना बड़ा, या तो ये थायरा बैंड यूज कर सकते हो जितने आपके दोनों हाथ में खुल रहे, या फिर आप कोई लकड़ी की फट्टी भी ले सकते हो जो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो जो बिगिनर बॉलर है उसको आप देके आप इसको पूरा उसका एक्शन करके यहाँ से हाथ चलेगा और उसका ये हाथ पूरा स्विंग करवाना है, इसकी ये ड्रिल करवा सकते हो। ये आप देखो ध्यान से, ये पूरा हाथ उसका नीचे तक जाएगा, तो उसकी ये जो ये प्रॉब्लम है ये यहाँ पे आके थ्रो करने की, वो इसकी ऑटोमेटिकली इस थायरा बैंड, इसको आपने पूरा स्ट्रेच करना है कि जितने आपके दोनों हाथ खुलते हैं, ये यहाँ से शुरू होगा और यहाँ फिनिश होगा। तो ये वाली एक्सरसाइज के साथ, ये ड्रिल के साथ आप अपनी जो चकिंग प्रॉब्लम है, थ्रो बॉल, बट्टा बॉल, जो भी आप बोलते हो उसको आप ठीक कर सकते हो। अब दूसरी ड्रिल मैं आपको बताता हूँ। तो दूसरी ड्रिल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप बच्चे से कैसे करवा सकते हैं, तो आप पोजीशन दे सकते हो कैसे, जैसे नी पे बैंड होके बैठना है, और जैसे कि मैंने बताया था ये पावर इनकी अगर बॉल नहीं पहुंचती तो ये जोर लगाने के चक्कर में ही थ्रो करते हैं, तो उसके लिए ये पोजीशन रहेगी और ये आपको हाथ स्विंग करके दिखाएगा कि कैसे हाथ स्विंग करने हैं और ये बॉल को इसने कहाँ तक फेंक दिया। तो इस एंगल से आप देख सकते हो कि अब बॉलर कैसे अपने हाथ को स्विंग कर रहा है। ये नया बिगिनर बॉलर के लिए अपने हाथ स्विंग करने की प्रैक्टिस है और वेट करें। तो एक्चुअली इसमें क्या है कि जो जब आप बॉलर की आप अब इसने फॉर एग्जांपल ये बॉल डाल दी, बॉल फेंको, तो ये अभी इसकी रेंज यहां तक है। जब इसकी रेंज ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो इसके बाद ये धीरे धीरे अपना डिस्टेंस को पीछे करता चला जाएगा। तो ये अपनी इस प्रैक्टिस के थ्रू दिन में ये 50-60 बॉल डाल के धीरे 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 ये अपनी जो 66 फीट की हमारी ये 22 गज की विकेट होती है उसके अकॉर्डिंगली अपनी पावर को इंक्रीज कर सकता है। और आप इस प्रॉब्लम से जो आप बट्टा बॉल और चकिंग की प्रॉब्लम फेस करते हैं जो नए बिगिनर्स, उसको दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।